अगर आप नथिंग टू ए खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका ब्लॉगिंग टाइम पे 4K में 30 FPS में कैमरा क्वालिटी कैसा आता है या फिर गेमिंग टाइम में ये फ़ोन हीट होता है कि नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हर डिटेलिंग में बताने वाले हैं। दोस्तों ये है नथिंग टू ए प्लस और इसका फिनिशिंग, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही लाजवाब है और आपको कुछ डिफरेंट फील कराने वाला है ये फ़ोन। तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया था इसका जो 4K में 30 FPS में ब्लॉगिंग के टाइम कैमरा क्वालिटी कैसा आता है उसके बारे में। तो दोस्त इसका जो ब्लॉगिंग के टाइम में कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आता है और मैं पहले ही एक अनबॉक्सिंग वीडियो कर चुका हूँ इस मॉडल में और ये रिव्यू वीडियो है ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग ख़रीदना चाहते हैं और इसके बारे में अनसुनी फैक्ट को जानना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और इसका जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी। आप वीडियो वगैरह चलाने के बाद बैक लाइट में इस तरह का आपको लाइट देखने के लिए मिलेगा। इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर आपका जो इसका जो डिज़ाइन है ये भी चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ व्हाइट में ही आता है, इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको आप नोटिफिकेशन की अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। आते हैं इसका जो कैमरा क्वालिटी में, कैमरा क्वालिटी बैक का जो कैमरा क्वालिटी है वो लाजवाब है। हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करने के टाइम, कैमरा यूज़ करने के टाइम इसमें हीट होता है, लेकिन इसका कैमरा क्वालिटी नाइट में आप देख सकते हो। अगर मैं नॉर्मल मूड में शूट करता हूँ तो इसका क्लैरिटी कुछ इस तरह का आता है। अगर आप इसमें जो क्या है अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट करते हो तो और भी बहुत अच्छा आता है। ये जूम और ये अल्ट्रा वाइड जो है बहुत ही तगड़ा आपको वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग करके देगा और फोटो भी इसमें तगड़ा क्वालिटी आता है दोस्तों। और इसमें जो है 5G चलने के टाइम में दिक्कतें थोड़ा बहुत आता है। और ये जो फ़ोन का कैमरे से रिकॉर्डिंग किया गया वीडियो आप देख सकते हो, ये बारिश का टाइम है, नाइट में आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो, डिटेलिंग कलर वगैरह पूरा परफेक्ट देता है ये फ़ोन। और आप कितना स्मूथ से आप इसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि 4K 30 FPS में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको कैमरे में जो लैग फील होता है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। चलते चलते अगर आप वीडियो बनाते हो तो जो लैग फील होता है वो आपको इस कैमरे में नहीं दिखेगा। 5G में दिक्कत क्या है दोस्तों, 5G में दिक्कत ये है कुछ कुछ जगह इस फ़ोन में रेंज पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है 5G में। सिर्फ 4G 3G 2G हो तो अवेलेबल आपको मिल जाएगा, लेकिन 5G में इसमें थोड़ा सा दिक्कतें आता है। अपडेट आने के बाद ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगा। और कैमरे में थोड़ा सा इशू ये है कि 4K 30 FPS में हल्का सा लैग होता है, वो भी अपडेट आने के बाद आई थिंक ठीक हो जाएगा। ओवरऑल बात करें प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी ओके है, डिस्प्ले भी एकदम ओके है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसमें। और एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगा, अगर आप सब्जेक्ट को पास में रख के फ़ोटो या फिर वीडियो लेते हो, बैक में इसका जो ब्लर है वो बहुत ही परफेक्ट के साथ आपको प्रोवाइड करेगा अगर आप बिना पोर्ट्रेट में भी शूट करोगे तो भी। तो अब देख सकते हो ये जो मेरा सब्जेक्ट है इसको जब मैं पास में लेता हूँ तो बैक में देखो कितना अच्छा सा ब्लर आपको दिखेगा। ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतना प्राइस हाई प्राइस का फ़ोन है जो है 20,000 बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि अभी इसका प्राइस गिरने वाला है तो उस हिसाब से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और दिन में जो कैमरा क्वालिटी है आप थोड़ा सा सेटिंग कर लोगे तो इसका और भी क्वालिटी अच्छा आने वाला है। मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं किया उसके बावजूद भी ये क्वालिटी आता है, फ़ोटो एकदम बढ़िया देता है, इसलिए मैंने फ़ोटो आप लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन इसका जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है ब्लॉगिंग के टाइम में, शूट करने के बाद एडिटिंग करोगे तो ओके हो जाएगा। तो दोस्तों ये है नथिंग 2A प्लस के बारे में जो जानकारी। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो इसके बारे में, क्या ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, या फिर कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों कमेंट करके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।